जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को बेतियाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने तथा संचालन दयानंद विद्रोही ने किया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि 27 सूत्री मांगों को लेकर 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में जवाहरलाल मौर्य, जगदीश यादव, फिरंगी प्रसाद, शारदा देवी, रामभुआल निषाद, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, अमरेंद्र निषाद, मनुरोधन यादव, मिर्जा कदीर बेग, दयानंद विद्रोही, रूपावती बेलदार, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, शकील अंसारी, अभिमन्यु यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू मैना भाई, मुन्नी लाल यादव, बिंदा देवी, अखिलेश यादव, सुमन पासवान आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, सबसे नेताओं से बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और हम करेंगे विधायक जी विधानसभा के साथ अपने नेताजी पूर्व प्रत्याशी महेंद्र तिवारी जी, बाबूराम यादव जी, साधु आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 तारीख जो कार्यक्रम लगा है संचालन का काम करूंगा। आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विधायक विधानसभा किसी भी विधानसभा से कम संख्या में रहेगी। क्रांति दिवस के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी करता हूँ। 9 अगस्त क्रांति दिवस का दिन है। अंग्रेजों के खिलाफ इसी चौरी चौरा से अगस्त क्रांति का ऐलान हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ 9 अगस्त से कार्यकर्ताओं को हुंकार भरने का निर्देश दिया है और हम समाजवादी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में 9 अगस्त जो क्रांति दिवस है उस दिन 27 सूत्रीय जो मांगे हैं हमारी, उन मांगों को लेकर के इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, धरना देंगे। इस संबंध में पार्टी के जो हमारे नेता हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं, उन सारे लोगों को पत्र आया है और उन लोगों से बात की जा रही है और सारे लोग उत्साहित हैं कि धरना 9 अगस्त को बहुत ज़बरदस्त धरना गोरखपुर में होगा।